हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूं पीएचपी वीडियो सीरीज। दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने पीएचपी के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात किया। हमने देखा हम उन्हें कैसे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो मैं फ्यूचर वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, वो कंसेप्ट ही इस वीडियो का टॉपिक होगा, जो है एरेज। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरेज क्या होता है, एरेज क्यों इंपॉर्टेंट है और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। क्योंकि दोस्तों, एरेज हम फ्यूचर जो स्ट्रिंग वीडियोस मतलब स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तब भी वो बहुत काम के साबित होंगे और बाकी प्रोग्राम्स में भी हम यूज़ करेंगे इन्हें। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एरेज डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एरेज होते क्या हैं। दोस्तों, एरेज असल में वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। दोस्तों, स्पेशल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक टाइम पे स्टोर कर सकते हैं और जो वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं वो मल्टीपल डाटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एरे में मैंने चार वेरिएबल को स्टोर किया, तो वो चार वेरिएबल्स चारों के चारों इंटीजर भी हो सकते हैं, चारों के चारों फ्लोट भी हो सकते हैं, चारों के चारों स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, या उनके कोई कम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि दो वेरिएबल स्ट्रिंग, तीसरा इंटीजर और चौथा फ्लोट। तो ऐसे कम्बिनेशन में भी हम वैल्यूज़ को एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एरे देखने में दोस्तों कुछ ऐसा लगता है, जैसे कि आपको राइट स्क्रीन के राइट साइड में दिख रहा है। एरे वेरिएबल एक तरीके का अलमीरा है और जिसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉयर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये ड्रॉयर है, ये नीचे ड्रॉयर है, और इन ड्रॉयर्स में ही हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और जब भी हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं इन ड्रॉयर्स में, तो ऑटोमेटिकली उस वैल्यूज़ को ये अलमीरा या इनकेस एरे एक की असाइन करता है, जिससे हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हर ड्रॉयर के लिए अलग एक चाबी होता है, वैसे ही जब हम वैल्यूज़ एरे में स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली पीएचपी उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उस ड्रॉयर के कॉरस्पॉन्डिंग जिसमें वो वैल्यू स्टोर होगा, हमको एक की प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम लेटर उस वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि डिक्लेयर और डिफाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते थे, नॉर्मल वेरिएबल्स को। जब भी हम नॉर्मल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे तो हम डॉलर साइन लिखते थे, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और उसमें हम वैल्यू असाइन करते थे। लेकिन हम मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक ही वैल्यू को एक टाइम पे असाइन कर सकते थे। लेकिन एरेस के केस में दोस्तों नहीं है। एरेस के केस में क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा जो हम असाइन करते हैं वो थोड़ा अलग है तरीका। देखते हैं कैसे। नेमिंग तरीका सेम है वेरिएबल्स की तरह, डॉलर साइन लिखते हैं, उसके बाद हम एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं ताकि हम एरे क्रिएट कर सकें। और एरे क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम पीएचपी का एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, जो है एरे फॉलोड बाय ये पैरेंथेसिस। ये फंक्शन दोस्तों हमारे लिए एरे क्रिएट कर देगा और उस वेरिएबल को एरे असाइन कर देगा, मतलब ये कार्स जो है वो टाइप मतलब वेरिएबल ही होगा लेकिन टाइप एरे का। लेकिन क्योंकि हमने अभी कुछ हमारे पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ वैल्यूज प्रोवाइड नहीं किया, तो ये एरे एम्प्टी है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। एलिमेंट्स दोस्तों एरेस के वैल्यूज होते हैं जो हम उनमें स्टोर करते हैं। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे दोस्तों, डिफाइन तो हमने कर दिया, क्रिएट भी कर लिया। अब इनिशियलाइज करने के लिए हम एरेस को ऐसे लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद अगर हम एक ही लाइन में इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम एरे लिखेंगे, जो फंक्शन है उसके अंदर हम अब मान सकते हो आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं, वैसे टाइप का आप कुछ मान सकते हो। तो हम कोट्स के अंदर अगर वो स्ट्रिंग टाइप के हैं तो हम वैल्यूज़ लिखना शुरू करेंगे, ये पहला वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, और हर वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग का हो तो हम कोट्स के अंदर लिखते हैं, अगर इंटीजर का हो तो हम सिंपल जैसे हम इधर पर लिखे हैं 16, और फ्लोट का हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डाटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकता है, तो इसलिए हमने ये चार वेरिएबल स्ट्रिंग स्टोर किया, ये फिफ्थ वाला इंटीजर और जो सिक्स्थ है वो फ्लोट है। तो एरे को हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, जो कि नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा अलग है जैसा आप देख रहे हो इसमें। तो चलिए देखते हैं एरे का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया तो ऑटोमेटिकली पीएचपी उस एरे का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे होता है और क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए हमने एक एरे डिफाइन किया जिसका नाम है एरे वेरिएबल, जिसका नाम है नम, और हमने एरे फंक्शन का यूज़ करके एरे क्रिएट किया और हमने वैल्यू स्टोर किया 28760। ये हमने अभी तो सारे इंटीजर लिया, लेकिन हम स्ट्रिंग भी ले सकते थे, फ्लोट भी ले सकते थे, और कम्बिनेशन भी ले सकते थे किसी का भी। तो जब भी हम एरे में वैल्यू स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने आपको कहा उस वैल्यू को करस्पॉन्डिंग हमें एक की प्रोवाइड करता है,
जिसमें जिसको यूज़ करके हम लेटर उस वैल्यू को एसेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने आलमीरा में एक चाबी लगा के किसी भी पर्टिकुलर ड्रॉयर के अंदर हम डाटा एसेस कर सकते थे, वैसे ही इस केस में हम की का यूज़ करके एरे के एलिमेंट्स एसेस कर सकते हैं, क्योंकि बिना की के हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कौन सा एलिमेंट पिकअप करना है या कौन सा एलिमेंट हमें एसेस करना है। तो की ही हमें बताएगा हमारा एलिमेंट का पोजिशन कहाँ पर है जो हम एसेस करना चाहते हैं। तो एरे का स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ ऐसा होता है, जब भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं ऑटोमेटिकली उन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक की प्रोवाइड करता है दोस्तों, या की असाइन करता है PHP। दोस्तों जैसे ही हमने वेरिएबल्स को स्टोर किया 287, तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉयर्स के अंदर फिट हो गए 28760, और हर ड्रॉयर का अलग एक की होगा। जैसे हमने देखा था अलमीरा के एग्जांपल में, हर अलमीरा का ड्रॉयर का अलग की होता है जिससे हम उस ड्रॉयर के अंदर जो फाइल है वो एसेस कर सकते हैं। वैसे ही हमें अगर इधर पे 8 एसेस करना है तो हमें इस 8 ड्रॉयर का जो 8 जहाँ पे हमने स्टोर किया उसका की प्रोवाइड करना पड़ेगा, और की है दोस्तों 1, क्योंकि एरे का जो की शुरू होता है वो हमेशा 0 से होता है, और 0 से लेके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके 1 माइनस। जैसे कि इस केस में 5 एलिमेंट है तो 0 से लेके 4 तक की प्रोवाइड करता है। सबसे पहला एलिमेंट को 0 असाइन करता है की, दूसरे को 1, तीसरे को 2, ऐसे करके सब एलिमेंट्स को की असाइन करता है। तो अगर हमें 6 वैल्यू को एरे के अंदर एसेस करना है तो हम क्या करेंगे, एरे का नेम लिखेंगे num, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की प्रोवाइड करेंगे जिस जहाँ पे वो हमारा वैल्यू है। इस केस में हम 6 असाइन करना चाहते हैं तो 6 का की क्या है 3, तो हम ऐसे लिखेंगे num स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3। तो ये हम अगर एको करते हैं तो हमारा 6 आउटपुट होगा। तो चलिए दोस्तों, और जो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम इंडेक्स कहते हैं या की कहते हैं। की तो आपको मैंने पहले ही बताया, लेकिन इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। और जो वैल्यूज़ हम स्टोर कर रहे हैं कंटेनर में ड्रॉयर में, वो है वैल्यू जो हमने एरे में प्रोवाइड किया। इसीलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने एरे को डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, और हमने वैल्यूज़ भी स्टोर कर दिए, और हमने स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लिया। लेकिन इस स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एरेस के जो वैल्यूज़ हैं हम एसेस कैसे करते हैं। दोस्तों एरे की और वैल्यू के बीच में जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है, एरे का नेम होता है, की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होता है। हमने जो लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया था, हमने एक नम वेरिएबल लिया था, एरे वेरिएबल, जिसमें हमने ये वैल्यू स्टोर किया था। अगर हमें इसमें 7 स्टोर करना है, 7 एसेस करना है, तो हम क्या करेंगे, एरे का वेरिएबल जो नेम है वो लिखेंगे, उसके बाद क्योंकि 7 कौन सा की ऑक्यूपाई करता है, 0 1 2, मतलब अगर 2 हम की प्रोवाइड करें तो हम 7 को एसेस कर सकते हैं, तो वो 2 हम इधर प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा आउटपुट होगा 7। अगर मान लीजिए हमें वैल्यूज़ को जो हमने पहले एरे डिफाइन किया नम, उसमें हम चाहते हैं कि हम और एलिमेंट को ऐड करें, पहले हमने इनिशियलाइज़ किया फिर लेटर ऑन चाहते हैं कि और भी वैल्यूज़ को हम ऐड करें, तो कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल है, एरे का नाम लिखेंगे डॉलर के बाद, एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इधर पे इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हमको एलिमेंट ऐड करना है, और हम उसके बाद इसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो हम उस इंडेक्स में स्टोर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम BMW को स्टोर करना चाहते हैं इंडेक्स 5 में, क्योंकि ऑलरेडी 0 से लेके 4 तक इंडेक्स सारे ऑक्यूपाइड हैं, तो हम इंडेक्स 5 में BMW को स्टोर करना चाहेंगे। और मान लीजिए हम 12 को जो इंटीजर वैल्यू है 6 इंडेक्स में स्टोर करना चाहेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, डॉलर नम फिर इंडेक्स जो हम 5 में स्टोर करना चाहते हैं तो हम 5 लिखेंगे और BMW। सिमिलरली हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी इंटीजर वैल्यू इधर पे लिखेंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, उसके बाद हम इधर पे इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हम 12 को स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको फिर आउटपुट करते हैं ब्राउज़र में तो हमारा ऐसा आएगा, 0 में 2 जो पहले भी स्टोर था, 1 में 8, और ऐसे करके आप देख सकते हो 5 में हमने BMW को स्टोर कर दिया और 6 को 12 को 6 इंडेक्स में स्टोर कर दिया। दोस्तों अगर हम इधर पे 5 की जगह 4 लिखते तो क्या होता दोस्तों, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 0 ऑक्यूपाई करके रखा है, तो हम अगर BMW से ऐसे अगर रिप्लेस करते तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू रिप्लेस हो जाता, 0 की बजाय BMW इधर पे आ जाता, तो जब भी हम आउटपुट करते हमारा जो 4 है वो इधर पे BMW होता, तो ओवरराइट हो जाएगा अगर हमने सेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की को हमने वैल्यू रीअसाइन किया तो। दोस्तों आउटपुट करने के लिए हम एरे को क्या यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई वेरिएबल को आउटपुट करने के लिए ब्राउज़र में एको का यूज़ करते थे, हम वैसे ही पूरे अगर एरे को हम आउटपुट करना चाहते हैं ब्राउज़र में तो हम प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट आर दोस्तों पूरे एरे को हम हमारे ब्राउज़र में आउटपुट कर देता है, और आउटपुट होने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर वो बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट होगा, 0 में 2, 1 में 8, ऐसे करके 6 में 12 तक प्रिंट होगा।
और अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू आउटपुट करना चाहते हैं, जैसे हम वेरिएबल को आउटपुट करते हैं, वैसे हम एको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एरे का नाम और फॉलोड बाय की प्रोवाइड करेंगे जिसका वैल्यू हम एसेस करना चाहते हैं। अगर हम एसेस करना चाहते हैं BMW, तो हम इधर पे की प्रोवाइड करेंगे 5, तो हमारा BMW आउटपुट होगा अगर हम इसको एको करते हैं तो। दोस्तों उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि एरेस कितने तरीके के होते हैं PHP में। दोस्तों PHP में एरेस 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है इंडेक्स एरेस, दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे, और तीसरा होता है मल्टी डायमेंशन एरेस। दोस्तों इंडेक्स एरे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि मतलब आप देख रहे हो इधर पे। दोस्तों इंडेक्स एरे हम इन एरेस को इंडेक्स एरे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स वैल्यूज होते हैं वो न्यूमेरिक टाइप के होते हैं इस इंडेक्स एरेज में। जैसे आप इधर पे देख सकते हो, न्यूमेरिक नंबर्स यूज एज एलिमेंट एसेस कीज। इंडेक्स एरेज एसोसिएटिव एरेज दोनों सिमिलर होते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इंडेक्स एरे में जो हम इंडेक्स यूज करते हैं या की यूज करते हैं वो न्यूमेरिक मतलब वैल्यूज होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन हम अगर न्यूमेरिक वैल्यूज के जगह स्ट्रिंग वैल्यूज यूज करना चाहें तो वो एसोसिएटिव एरेज बन जाते हैं। जैसे कि आप इधर पे देख रहे हो, हमने एक एरे इधर पे डिक्लेयर किया, फिर हमने न्यूमेरिक वैल्यूज के जगह हमने इधर पे स्ट्रिंग वैल्यूज प्रोवाइड किया। पहले हमने इधर पे क्या लिखा था, 0, अगर हम पहले एलिमेंट को स्टोर करना चाहते थे इधर पे। इस केस में हम इंडेक्स जो है वो हम न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रिंग वैल्यूज लिखेंगे। जैसे कि इधर पे हमने की प्रोवाइड किया जो है मैरी, उसके बाद नेक्स्ट की है जॉन, फिर तीसरा की है मीडियम। तो ये दोस्तों कीज़ हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं। अगर की स्ट्रिंग टाइप के हैं तो हमारा वो एसोसिएटिव एरे बन जाता है। तो दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ अगर एक में कीज़ इंटीजर है तो हम उसे इंडेक्स एरेज बोलते हैं, और अगर की मतलब स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम उसे एसोसिएटिव एरेज कहते हैं। और सिमिलरली जैसे हम इंडेक्स एरेज में जो भी हमने यूज़ किया था डिक्लेयर करने के लिए, एसेस करने के लिए वैल्यूज, वो हम सिमिलरली एसोसिएटिव एरेज में सारे कुछ अप्लाई कर सकते हैं। एसेस करने के लिए जैसे पर्सन में अगर हम मैरी वैल्यूज मतलब मैरी जो की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को असाइन या हम एसेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैरी, इन कोर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमारा फीमेल जो है वो एसेस हो जाएगा इधर पे, मतलब आउटपुट हो जाएगा ब्राउज़र में अगर हम एको यूज़ करते हैं तो। और अगर प्रिंट करते हैं तो जैसा आप इधर पे देख रहे हो वैसा आउटपुट होगा। दोस्तों तीसरा तरीके का एरेज है वो है मल्टी डायमेंशन एरेज। दोस्तों मल्टी डायमेंशन एरेज कुछ एक तरीके खास कुछ नहीं होता, सिर्फ इंडेक्स और एसोसिएटिव एरेज का एक्सटेंशन होता है। मान लीजिए जब हमने इंडेक्स एरे को क्रिएट किया था तो हमारा जो हर एलिमेंट था वो एक तरीके का या तो स्ट्रिंग था या इंटीजर था या फ्लोट था। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट की जगह अगर ये खुद एक एरे होता, मतलब एरे के अंदर एरे होता, तो हम उसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज, जैसा कि आप इधर पे देख सकते हो। एक तरीके का ये एसोसिएटिव एरे है पहले तो, क्योंकि ये इधर पे जो की है वो स्ट्रिंग वैल्यूज है। उसके बाद इस केस में जैसे आप देखने आपने ये वैल्यूज फीमेल था तो इसकी जगह हमने एरे प्रोवाइड किया, मतलब एरे के अंदर एरे। तो जैसा आप इधर पे देख सकते हो ये एक एसोसिएटिव एरे है, और एरे के जो की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो एक इंडेक्स एरे है। तो एक तरीके से एरे के अंदर एरे, तो इसलिए हम इनको मल्टी डायमेंशन एरेज कहते हैं, क्योंकि इधर पे हमने 2 डायमेंशन का यूज़ किया तो ये 2D एरे है। अगर हम ये एलिमेंट जैसे आप देख रहे हो पिंक पैंथर, ये भी एक एरे होता बल्कि एक स्ट्रिंग की जगह, तो हम इसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल एरे। देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव एरेज के बारे में। दोस्तों एसोसिएटिव एरेज जैसे मैंने आपको कहा इंडेक्स एरेज की तरह ही होते हैं, सिर्फ फर्क ये होता है जो इंडेक्स होते हैं उस इन केस ऑफ एसोसिएटिव एरेज वो स्ट्रिंग टाइप के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो कि स्ट्रिंग ही हो लेकिन स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इधर पे जैसे मैंने आईडी, क्योंकि एक स्ट्रिंग है वो की है इस एरे का, मतलब एरे के एलिमेंट का जो की है 1, अभी हमने जो की प्रोवाइड किया वो है स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन हम इधर पे इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो एक तरीके से हर इंडेक्स एरे एक एसोसिएटिव एरे है। इस केस में हमने एक पर्सन का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जिसका आईडी है 1, नेम है साइड, एज है 24 और जेंडर है मेल, तो हम ऐसे इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि उस केस में 0, 1, 2, 3 से ज़्यादा मतलब अच्छा होगा कि हम एसोसिएटिव एरे यूज़ करें, क्योंकि उससे हमारा एरे जो है ज़्यादा रीडेबल बनता है, हमें पता लगता है जो मेल लिखा हमने वो जेंडर की है, तो इजीली हम याद रख सकते हैं चीज़ों को। बल्कि हम अगर ये एरे बहुत बड़ा होता तो हम 0, 1, 2, 3 से याद नहीं रख पाएंगे, हम सिर्फ ये बेहतर होगा हम एज लिखे की में, ऑटोमेटिकली हमारा एज आउटपुट हो जाए या हम चेंज कर सकें। एसोसिएटिव एरेज का स्ट्रक्चर सेम इंडेक्स एरेज की तरह ही होता है, सिर्फ जो की होते हैं वो है स्ट्रिंग टाइप के या इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब कम्बिनेशन हो सकता है। आउटपुट करने के लिए हम सिमिलर
प्रिंट आर का यूज़ करेंगे एसोसिएटिव एरेस को आउटपुट करने के लिए, और इधर पे ऐसा आउटपुट हो जाएगा। एको करने के लिए अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का वैल्यू हमको एको करना है तो हमें एरे का नाम लिखना पड़ेगा, और इधर पे जो की प्रोवाइड करेंगे वो हम जो इधर पे की जैसे हम लिखें स्ट्रिंग, तो अगर हमने की स्ट्रिंग असाइन किया तो इधर पे हमें की प्रोवाइड करना पड़ेगा जो है स्ट्रिंग का। अगर हमने आईडी जो लिखा है वो अगर न्यूमेरिक वैल्यू होता तो हम इधर पे न्यूमेरिक लिखते हैं और हमारा आउटपुट हो जाता उस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है। दोस्तों इस वीडियो का हमारा ये आखिरी स्लाइड है, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेस के बारे में। मल्टी डायमेंशनल एरेस क्या होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टी डायमेंशनल एरेस होते क्या हैं। दोस्तों अगर कोई भी एरेस, क्योंकि आपको पता है एरे एलिमेंट से बनता है, तो अगर कोई भी एरे का कोई भी एक एलिमेंट अगर एक खुद एरे हुआ तब हम उस एरे को एक मल्टी डायमेंशनल एरेस कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरेस ही होता है एरे के अंदर एरे होना, मतलब एरेस के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद एक एरे हो तब हम उस एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। दोस्तों मल्टी डायमेंशनल एरेस भी बहुत तरीके के होते हैं, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, और ऐसा आप जब तक सोच सकते हो ND एरे तक होता है। लेकिन हम फिलहाल 2D और 3D एरे के बारे में देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अगर मैं 2D एरे की बात करूं तो सिंपल दोस्तों 2D एरे एक 2D प्लेन की तरह होता है। जैसे कोई भी 2D प्लेन में अगर हम पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट का हमें X कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ता है और Y कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ता है, तभी हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली 2D एरे में भी अगर हम कोई भी वैल्यू एसेस करना चाहें तो उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो कीज़ प्रोवाइड करना पड़ता है। पहला होता है कि कौन से रो में है, तो उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक की प्रोवाइड करना पड़ता है, और दूसरा वो कौन से कॉलम में है तो उसका भी हमें की प्रोवाइड करना पड़ता है। तो टोटल ये दो कीज़ लेता है इनपुट, फिर हमें वैल्यू आउटपुट करता है उस दो कीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हो, अगर इस टेबल में बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे होंगे, अब मान लीजिए हर सेल में कोई वैल्यू स्टोर है, अगर हम इस सेल का वैल्यू एसेस करना चाहते हैं इस 2D एरे में, तो सबसे पहले हम बोलेंगे एरे का नाम लिखेंगे जो इस केस में बैलेंस है, फिर हम प्रोवाइड करेंगे जो सेल है उस वो कौन से रो में है। रो का इंडेक्स भी जीरो से शुरू होता है, क्योंकि आपको पता है एरे में इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होता है, तो कौन सा रो में है ये 0, 1, 2, 3, मतलब रो का जो इंडेक्स है वो 3 है, तो इसीलिए हमने इधर पे 3 लिखा। अगर हम 3 लिख के छोड़ देते हैं फिर ये दूसरा इंडेक्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे दोस्तों, तो हमारा वैल्यू एसेस नहीं होगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स में बहुत सारे सेल्स हैं, तो इनमें से कौन सा सेल है उसको बताने के लिए भी हमें और एक इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि होगा कॉलम का इंडेक्स। तो इस केस में देखते हैं कौन सा कॉलम में ये सेल लोकेट करता है, कॉलम नंबर 0, 1, 2, 3, 4, तो ये फोर्थ कॉलम में है, थर्ड इंडेक्स रो का और फोर्थ इंडेक्स कॉलम का, तो हम दो इंडेक्स इधर प्रोवाइड करते हैं और हम वैल्यू एसेस कर सकते हैं। दोस्तों और एक तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो इसको, जैसे कि आप जब टेबल देख रहे हो, टेबल्स में बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल सेल्स के सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल सेल्स के सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं कॉलम्स। अगर मैं इस टेबल को एक एरे में स्टोर करना चाहूँ दोस्तों, तो मेरे को हर जो सेल है उसका वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे करूँगा दोस्तों, मैं क्या करूँगा, ये जो पहला आपको रो दिख रहा है ये सारे रो हैं, तो इस रो को मैं एक एरे में स्टोर करूँगा सबसे पहले, और वैसे ही सारे रोज को मैं एक एक एरे में स्टोर करूँगा। उसके बाद मैं और एक एरे क्रिएट करूँगा जिसमें मैं उसका पहला एलिमेंट में जो हमने पहले रो का लिए एरे बनाया था वो एरे को स्टोर कर देंगे, और वैसे ही हर एरे को हम इंडेक्स प्रोवाइड करके दूसरे एरे में स्टोर करेंगे, तो हमारा ये 2D एरे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2D एरे क्रिएट करते हैं, और एसेस करने के लिए हम दो कीज़ का यूज़ करते हैं। दोस्तों सिमिलरली 3D एरे भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमने इस प्लेन को लिए, जैसे कि आप मान लीजिए ये वाला प्लेन है, और अगर कोई भी एरे का एलिमेंट एक 2D एरे है तो हमारा वो एरे 3D एरे बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एरे हैं, एरे का जो जीरो पोजीशन में उसमें हमने एक 2D एरे को स्टोर कर दिया, 1 पोजीशन में और एक 2D एरे को स्टोर कर दिया, 3rd पोजीशन में और एक 2D एरे को स्टोर कर दिया, और ऐसे हम और भी स्टोर कर सकते हैं, तो ये जो एरे हमारा कंस्ट्रक्ट होगा वो 3D एरे होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये 3D नेचर का है। थोड़ा 2D प्लेन्स को हम स्टैक करके एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं और एक एक इंडेक्स में स्टोर करते जा रहे हैं एक दूसरे एरे के लिए, तो हम इसे 3D एरे कहते हैं। मान लीजिए हमें ये जो 1 आप देख रहे हो इस वैल्यू को एसेस करना है, तो हम इसको एसेस कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि 3D एरे में एक 3D प्लेन में कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए XYZ। सिमिलरली 3D एरे में भी हम कोई भी वैल्यू को एसेस करने के लिए उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 3 कीज़ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक तो होगा उसका रो का मतलब इंडेक्स, एक कॉलम का इंडेक्स, और एक डेप्थ का इंडेक्स।
सिमिल आपको मैं समझाने के लिए अगर मान लीजिए ये वन वाला वैल्यू मैं एसेस करना चाहूँ, सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा ये वैल्यू कौन सा रो में है। अगर मैं ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो है ये इसको मैं रोज लूँ तो ये कौन सा रो में है, 0, 1, 2, मतलब ये रो का जो इंडेक्स है वो है 2। अगर मैं कॉलम इससे इधर से शुरू करूँ 0 से तो 0, 1, 2, 3, 4, मतलब रो का इंडेक्स है 1, कॉलम का इंडेक्स है 4 और जो डेप्थ का इंडेक्स है वो क्या होगा 0, 1, 2। मतलब अगर हम इस एलिमेंट को एसेस करना चाहें तो हमें इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा 0, 1, 2, 2, 4 और 2, 2, 4, 2, तब हम इस एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं, हमें 3 इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम 3D अरेज़ को क्रिएट करते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 3D अरेज़ के बारे में और कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, जब जैसे हम एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे डेप्थ में आपको फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा। मैंने जस्ट बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए ये वीडियो बनाया कि अरेज़ क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन से आते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।